गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा सबसे पहली चीज, और फिर कई सारे वर्ड्स प्रॉब्लम लगाए, जिसमें से एक और वर्ड प्रॉब्लम हम लोग आज लगा रहे थे। तो देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 था। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का मैं फिर से एक बार बता दूं, पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कि मतलब वो जो दर्जी है उसको कितने रुपए का सामान पड़ेगा, फिर हम लोग उसमें बताएंगे कि उसको प्रॉफिट जब लगाएगा तो कितना पड़ जाएगा, फिर अगर प्रॉफिट जितना लगाएगा जितना पड़ेगा तो टोटल उसने जितना खर्चा किया वो कितना है उस बारे में दिया है, तो हम इसकी मदद से नंबर ऑफ पर्सन को पता करेंगे। हाँ, कितना ट्राउजर या कितना शर्ट खरीदा है इसको पता करेंगे। तो देखिए, पहले सोल्यूशन लिखवा रहा हूँ फिर मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो सेवन, सॉल्यूशन नंबर सेवन हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स मटेरियल at clothes material for shirt at rate of rupees 50 per meter, for trouser at rate of rupees 90 per meter. वो शर्ट और पैंट रुपीज 50 और 90 के रेट से खरीदता है। 50 रुपए का एक मीटर कपड़ा शर्ट का खरीदेगा और 90 रुपए का एक मीटर कपड़ा पैंट का खरीदेगा, ठीक है ना? तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना? सो कॉस्ट प्राइस फॉर 3 meter shirt is 3 into 3 meter in a shirt. 3 meter of shirt is 3 into 3 meter into rupees 50 upon per meter. ठीक है ना? ये m से m कट जाएगा, meter से meter. 50 into 3 rupees 150 and cost price for 2 meter trouser is 2 meter into rupees 90 upon meter. Meter से meter cancel, 9 to 18, 180 rupees. यहां तक ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं पूछना चलो। इफ ही सेल्स, इफ ही सेल्स सर, हाँ सर, ये आपने मीटर से मीटर कट करके फिर इसमें मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है? अरे ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, दिख गया सर, दिख गया। हाँ, वो थोड़ा सस्ता वाला मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए नहीं दिख रहा था, अब दिख जाएगा। ओके सर। इफ ही सेल्स, अगर वो सेल करता है जो उसका, जो उसने शर्ट पैंट लाया है, 3 meter का शर्ट और 2 meter का शर्ट है, पैंट ट्राउजर का पैंट है, मतलब ट्राउजर का कपड़ा है, वो जो सेल करेगा वो 12% और 10% की प्रॉफिट के हिसाब से करेगा, है ना? इफ ही सेल्स शर्ट at 12% of profit, so 12% of profit and trouser at 10% profit,
देन 12% ऑफ रुपीज 150, 12% ऑफ रुपीज 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 150 अपॉन 100, है ना। कैसे हुआ ये, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग साइड में लिखना, मेरा हाथ यहाँ से ज्यादा आगे जाएगा नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट सर, हाँ वो 12 है क्या 100 के ऊपर? हाँ 12 है, बता रहा हूँ देख लीजिए ना, अभी बता दे रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे हुआ। एंड कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये देखिए ये फॉर्मूला यूज किया है ना, ये कॉस्ट प्राइस मतलब कितने का पड़ा उसको, 150 रुपए का, 100 का 100 ये रहा और ये 12 यहाँ वाला है ना, यहाँ 12% दिया है यानी कि ये चीज दी है, तो प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, आप ये चीज निकाल रहे हो, तो ये चीज कैसे निकलेगा, इस सीपी को इधर भेज दोगे, 100 को नीचे ले आओगे, तो ये वाला बन जाएगा, नहीं समझे बात, समझ गए ना, आप ये चीज निकाले हो यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये 12 ये रहा, 150 ये रहा, 150 ये रहा और 100 ये रहा, ठीक है ना, तो जब आप सीपी यहाँ डिवाइड में तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ 100 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह 10% ऑफ रुपीज 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 into 180 upon 100, ओके बस अब सॉल्व कर देंगे, सो प्रॉफिट एट शर्ट ऑफ 3 meter इज, 3 meter शर्ट पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा कितना होगा, सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 3 times और ये 2 times, 2 से 12 गया 6 times, 6 3 18 रुपीज, है ना, एंड प्रॉफिट एट ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया 18 रुपीज 18, ओके कुछ गड़बड़ है, नो सर वो तो सही है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सही है, मेरे को तो सही लग रहा है, चलिए, यानी कि आप जब 3 meter शर्ट बेचोगे तो 18 रुपए बढ़ा के बेचोगे, आपको पड़ा 150 का लेकिन आप बेचोगे कितने का, 168 रुपीस का 3 meter, और आपको 2 meter पैंट जो है 180 का पड़ा लेकिन आप बेचोगे कितने का, 198 का, ठीक है ना, सो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी फॉर शर्ट इज इक्वल टू रुपीज 150 plus 18, रुपीज 18 क्या हो जाएगा, रुपीज 168, ना अजीब लग रहा है, 8, अब देखिएगा, सिमिलरली न्यू सेलिंग प्राइस will be for trouser is equal to rupees sir, वो क्या है ऊपर वाली लाइन में 150 के बाद,
रुपीज 198। अब बोलो कौन सा, ये शॉर्ट वाली लाइन में 150 के बाद। अच्छा कौन सी वाली लाइन है, शर्ट की बहुत सारी लाइन है सर, नीचे से सेकंड नंबर। ओके, हां, न्यू सेलिंग प्राइस विल बी फॉर शर्ट। ओके, इसमें 150 के बाद 150 प्लस रुपीज 18। इस तरह से समझो ना, जो प्रॉफिट, जो पहले 150 रुपए की आप शर्ट लेके आए दुकान से, अब आप उस शर्ट को बेचोगे किसी और को, तो आप 150 में लेके आए, 150 में थोड़ी बेचोगे, प्रॉफिट कमाना है तो आप उसमें कुछ बढ़ा के बेचोगे, तो 150 में 18 जोड़ दोगे, 150 में 18 आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना। ये था, यहां तक समझ में आ गया, इरेज कर रहा हूं मैं ऊपर का, ठीक है। ऊपर का इरेज कर दूं, यहां तक कर दे रहा हूं ना। अब देखो, सिंस कॉस्ट फॉर वन पर्सन्स एपोस्ट्रॉफी एस है, वन पर्सन्स शर्ट एंड ट्राउजर आर कॉस्ट नहीं, सिंस अमाउंट ऑफ सेलिंग वन पर्सन शर्ट एंड ट्राउजर is rupees 168 and rupees 198, क्या लिखेंगे लास्ट में, respectively खुद से लिख लेंगे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने RESP, है ना। अगर एक पर्सन के लिए 168 और 198 लगता है तो x पर्सन के लिए कितना लगेगा, so for x persons will be rupees 168 x and rupees 198 x. If total selling is 36,000 rupees 36,600, एक्चुअल में ये सवाल है बहुत इजी, बस लिखने में लंबा है, ठीक है ना। देन अगर टोटल इतना है, देन 168 x प्लस रुपीज 198 x इज इक्वल टू 36,600, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, बस अब इस x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकाल के आप ट्राउजर के लिए निकाल लोगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, x 198 प्लस 168 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 198 and 168 11 20 30 and 5 35 198 168 6 10 16 6
366 क्या हो गया, रुपीज 366x इक्वल टू रुपीज 36,600। इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या हो जाएगा, x क्या होगा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 36,366। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोजिंग 366 टू राइट हैंड साइड। ओके ये हो गया। अब देखिएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आएगा रुपीज, रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आई 100, यानी कि दर्जी ने 100 लोगों के लिए कपड़ा खरीदा था। अब एक बात बताओ, एक आदमी के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा, एक आदमी के लिए मतलब कितना मीटर ट्राउजर खरीदा, 2 मीटर, तो 100 आदमी के लिए कितना होगा 200। इफ क्या नाम था उसका, हुसैन, हसन, हसन, इफ हसन बाइज 2 मीटर ट्राउजर, 2 मीटर ऑफ ट्राउजर क्लोथ 100 पर्सन, यहां लिख देना पर्सन, इफ अ पर्सन 100 पर्सन, इफ हसन बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउजर क्लोथ फॉर 1 पर्सन, सो सो फॉर 100 पर्सन विल बी, सो फॉर 100 पर्सन विल बी, हंड्रेड इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिखने पे ध्यान दिया है वो इस सवाल को जो मैंने अभी सोल्यूशन लिखवाया उसे एक बार देख ले तुरंत, है ना, तब से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसके रेस करूंगा, तैयारी करूंगा। आप तब से आप एक बार इस सोल्यूशन को देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ओके वॉइस आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ध्यान देते रहिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ऊपर का कर दूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिएगा क्या है, नाइन और टेन आप लोग को लगाना है। रेस कर दूं? इस सोल्यूशन को देखिएगा पीछे से, आराम से पढ़िएगा, एक बार में आ जाएगा समझ में, और क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िएगा। चलो ये देखिए, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड ऑफ द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर द प्लेइंग नियर बाय एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। हमें क्या करना है, जो जितने भी डियर हैं, मतलब जो मतलब भेड़ बकरी जो भी है सारे, वो किसी मैदान में ग्रेजिंग घास चर रही है, ठीक है ना, तो हमें ये पता करना है कि कितने मतलब आपके कितने नंबर हैं उनके। तो ये बोला है कि जो भी डियर्स की नंबर्स हैं, है ना, जो भी डियर्स का नंबर है उसके हाफ
हाफ तो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं उसका 3/4 क्या कर रहा है, उसका जो 3/4 है वो प्लेइंग कर रहा है नियर बाय, मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, और बचे हुए 9 पानी पी रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स इफ हाफ ऑफ देम आर ग्रेजिंग ग्रेजिंग देन दे आर इन एक्स बाई टू, दे आर एक्स बाई टू इन नंबर। ध्यान से समझिए, अगर टोटल नंबर ऑफ डियर एक्स है, आधे उसमें से क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग का काम कर रहे हैं, अगर उसमें से आधे ग्रेजिंग का काम कर रहे हैं तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाई टू। नहीं समझे, समझ गए ना, 6 का हाफ क्या होगा, 6 बाई टू 3। तो अगर x है तो x का हाफ x बाई टू। अब देखिएगा, अगर हाफ ऑफ देम ग्रेजिंग का काम कर रहे हैं, बचे हुए हाफ का क्या हुआ, x को, x का दो हिस्सा किया गया, x बाई टू और x बाई टू। इसमें से यहां वाले जो भी डियर्स है ना, वो ग्रेजिंग का काम कर रहे हैं घास घास पे, लेकिन जो बचे हुए x बाई टू हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन सारे के सारे नहीं, इसमें से कुछ हैं, ये कितने हैं जो घूम रहे हैं, वो हैं इस x बाई टू का 3/4। x बाई टू का 3/4 समझिए, आपके पास एक पिज्जा था, आधा आपका आधा मेरा, तो मैंने तो खा लिया अपना, अब ये जो आधा बचा है इसमें से आप जैसे ही खाने जा रहे थे आपके 3 भाई और आ गए, आप थे और आपके 3 भाई और आ गए, बोले हमको भी दो हमको भी दो, आपके वो छोटे भाई हैं तो आपको दया आ गया, दया नहीं मतलब ये आ गया कि नहीं मेरा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन्हें भी दूँ। तो छोटे भाइयों ने बोला कि भैया बराबर बराबर कर लेते हैं, तो आपने कहा ठीक है। तो आप इस आधे पीस का कितना पीस करोगे, 4, 3 बोलोगा एक आप, तो कितना पीस करोगे, तो 4 इसके इसके 4 बराबर पीस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक दो तीन, ये लड़ाई हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अब ठीक है, 4, ये हो गया 4 पीस। इसमें से इन चारों पीसेस में से एक आपका, बाकी 3 आपके भाइयों का, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ यहां हो रहा है, आधे बकरियां तो इधर हैं x बाई टू, आधे इधर हैं, इन आधों में से 3/4 इस x बाई टू, इस x बाई टू का 3/4 ऑफ x बाई टू क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और बचे हुए कौन बच गए, 9, बचे हुए 9 बकरियां क्या कर रही हैं, पानी पी रही हैं, ये पॉन्ड है एक, उसमें से पानी पी रही हैं, ठीक है ना। ये हो रहा है, किसी को कुछ ऐसा जो ना समझ में आया, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ, ये x बाई टू है टोटल, ये 3/4 ऑफ x है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x बनेगा कि नहीं, नहीं समझे। इस आधे पिज्जा को ले लो, आपके तीनों भाइयों से मैं छीन लिया और आपका भी छीन लिया, तो वापस एक पिज्जा बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना, ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो देखिएगा, इफ इफ 3/4 of other half is
playing. So it is 3/4 of x by 2 in number. Rest of them are 9 in number, who are drinking water. So we have, sir, हाँ, x upon 2 के बाद क्या है सेकंड लाइन में? सेकंड हाँ, इसमें इन नंबर इन एन ओ डॉट लगा नो सर, इसके नीचे वाली में थर्ड वाले में, थर्ड में 3/4 इनटू x बाय 2 आगे इन नंबर. ओके ठीक है ना, यहाँ पर भी इन नंबर्स लिखा है. सो वी हैव x बाय 2 प्लस 3/4 ऑफ x बाय 2 प्लस 9 इक्वल टू x. ओके, आप कितने लोग इसे सॉल्व कर लेंगे? सर वहां पर क्या है फोर्थ लाइन में? फर्स्ट वर्ड फोर्थ लाइन में रेस्ट, R-E-S-T. रेस्ट ऑफ देम आर 9 इन नंबर. Rest of them are 9 in number. बचे हुए लोग, बचे हुए जो डियर्स हैं उनकी संख्या 9 है और वो पानी पी रहे हैं. ठीक है ना, समझिएगा, आधे जो है घास खा रहे थे, बचे हुए आधे का 3/4 लोग 3/4 क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और बचे हुए 9 घास ये पानी पी रहे थे. टोटल टोटल संख्या x के बराबर होनी है. अब इसको सॉल्व करना है, कितने लोग कर लेंगे? ये आपके लिए है, अब आपको सॉल्व करना है. ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डियर्स निकालना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को आपकी जिम्मेदारी है. यहीं तक कराऊंगा मैं, कर लेंगे अब सॉल्व? यस सर. नो सर. वेरी गुड, जो नहीं कर पाएगा. एक बार ट्राई करिएगा, जब नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा. ठीक है ना, खुद से सॉल्व करने की अब आदत डालिए. इजी है, टफ नहीं है. ठीक है ना, वेरिएबल एक साइड करना है, कांस्टेंट एक साइड करना है, वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यहाँ तक ये था क्वेश्चन नंबर 8. बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. ठीक है ना, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट देखिएगा, 2.4 के बाद रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म. रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म. क्या है ये, इसको समझिएगा. हमारा जब इक्वेशन इस टाइप का हो, एग्जांपल देखिएगा, 6x प्लस 1 x माइनस 3 इंटू 6. ओके, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा इक्वेशन इस टाइप का हो तब कैसे करेंगे सॉल्व? जब भी हमें फ्रैक्शन में चीजें दिखें तो जो डिनोमिनेटर जितने भी दिख रहे हैं ना, सबका एलसीएम ले लीजिए पहले. तो 3 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा?
ठीक है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 3 × 2 = 6, क्या आया 6। जैसे ही हमारा जो आएगा उस जो एलसीएम हमारा दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 × 6 + 1/3 + 1 = 6 × x − 3/6। ये हो गया, इधर ध्यान दो मनन। अब 6 ये क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये देखो ना a × b + c के टाइप का है, तो 6 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 × x + 1/3 + 6 × 1 = 6 × x − 3/6, 6 से 6 कैंसिल। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लेगा, बोलो 6 कैसे आया, 6 इन दोनों में कैसे आया, यही पूछ रहे हो ना। मैंने ये लॉ बताया है a × b + a × c, अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर दो चीजों के सम में होती है या माइनस में होती है तो वो चीज अंदर भी हर एक एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज लाइक, इस पर्सन का बर्थडे है तो वो हर एक एक को टॉफी देने आएगा, है ना, और अगर उसका बर्थडे नहीं है तो हर एक एक से टॉफी छीन के वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, ये a × b + a × c, नहीं समझ में आया, तो 6 a है, ये रहा वो a, ये पूरा का पूरा b है और ये रहा c, a × b a × c, ओके, नहीं समझ में आया अभी भी, आ गया, ओके, आगे बढ़े, ठीक। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ठीक है, आ रहा मनन, आ रहा ना, ठीक। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 times, तो ये 2 किसमें मल्टीप्लाई होगा, 6x + 1 इस पूरे में, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 × 6x + 1 + 6 × 6 = x − 3। अब देखिए, अब फिर से a × b + c लगेगा, इस पर्सन का बर्थडे है, सर हर एक को टॉफी देगा, 6 × 2 इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, 6 × 2 = 12x + 2 × 1 + 6 = x − 3, 12x एंड 2 × 1 = 2, 2 + 6 = 8, ओके, तो डायरेक्टली मैं इधर लिख रहा हूँ, 12x + 8 = x − 3। अब आप सोल्व करना जानते हो, x को इधर लाओगे, 8 को उधर लेके जाओगे, ठीक है ना, x को इधर लाओगे 11x, 8 को उधर लेके जाओगे −8, −8 − 3 − 11, तो क्या आएगा, 11x = −11, x = 11 से बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर वाला 11 गायब हो जाएगा, इधर वाला 11 इसको काट देगा, तो क्या बन जाएगा, x = −1, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा था, बस हमें कॉन्सेप्ट ये देखना है, अगर हमारा फ्रैक्शनल वाली चीजें हैं तो जितने भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं, कितने डिनोमिनेटर है ये, सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। इन केस यहाँ मान लीजिए 1 नहीं 1/5 होता, तब क्या करते, यहाँ पर 5 भी ले लेते और फिर एलसीएम निकालते, तो ये 5 times भी जाता और ये 1 1 1 हो जाता और यहाँ मल्टीप्लाई में 5 आ जाता, 6 × 5 = 30। तो आप अब 6 से नहीं 30 से मल्टीप्लाई करते, 30 से इधर भी करते, 30 से इधर भी करते, फिर सॉल्व करते इसी तरह, ठीक है ना, नहीं समझ में आया, आ गया, चलिए। ऑनलाइन बच्चे जितने भी हैं, भूमिका, मुकेश, ऋषिकेश, यस सर, ठीक है, अब देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज सुनिए, एक्सरसाइज 2.5 के जिन क्वेश्चन को मैं आज करने, जो मैंने अभी आइडिया बताया उसी से लगेगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चार आप लगाएंगे, 5 एंड 6 मैं बता दूंगा, ठीक है ना, 5 एंड 6 क्लास वर्क में, ठीक है, ओके, 1, 2, 3, 4 आप, 5, 6 मैं कर दूंगा, ठीक है ना। एंड अब एक नया दूसरा मेथड इसके पहले सीख लें, तब से ये होमवर्क रहेगा आपका, ये वाला क्या है, होमवर्क, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक्सरसाइज लगाने से पहले एक और चीज सीखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में ही, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय है, हम लोग एक सवाल सीख सकते हैं इतनी देर में। तो सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 17, फाइव एक्स माइनस 2 times of 2x minus 7 इक्वल टू 2 times of 3x plus 1 प्लस 7/2। जब भी ऐसा कुछ रहे आप लोग क्या है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल आप लोग को पता होगा क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को टच करेंगे, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट, क्या इसमें कहीं ब्रैकेट है, है दो जगह, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का उठाइए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का, क्या है, 5x minus 2 times of 2x minus 7, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5x का 5x रहेगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, तुरंत टाइम नहीं है, माइनस टू है ये, 2 नहीं है, क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू अंदर पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो माइनस टू इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस 4x, एंड माइनस माइनस प्लस, 7 times 2 is 14, किस वजह से हुआ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अब ये सॉल्व हो गया, 5x में से 4x किया, x प्लस 14 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी करेंगे, राइट हैंड साइड का जो भी रिजल्ट आए, लेफ्ट इक्वल टू राइट।